6000 का बिल बना दिया। अब पूरा हमारा जैसे कहते हैं भाई कोर्स खत्म हो गया, इसी बात पे बोर्ड की पढ़ाई कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी पाजी। और अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने करा था टिम हॉर्टन्स ऑल मेन्यू का पार्ट वन, उसमें मैंने आपको बोला था अगर आप 1000 कॉमेंट्स करोगे तो पार्ट टू करेंगे, एंड हियर वी आर विद द पार्ट टू। टारगेट अचीव्ड। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 15,000 लाइक्स, और आपने कॉमेंट्स में बताना है कोई 3 टाइप की कॉफीज। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई आज के मेन्यू में फिर से 10 चीज कुछ खाने की मंगवाई है, 2 बेवरेजेस मंगवाई है, और बहुत सारा फन है क्योंकि सैटरडे फन वीडियो है। अच्छा, आज इन्होंने, मेरे को याद नहीं है लास्ट टाइम इन्होंने कटलरी भेजी थी कि नहीं भेजी थी, पर आज इन्होंने बहुत सारी कटलरी भेजी है। लास्ट टाइम नहीं भेजी थी कुछ भी ना, पर आज जो हम लोगों ने पार्ट टू के लिए रखी हुई थी मेन चीजें, क्या क्या सैंडविचेस हैं, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें बताऊंगा। यार ये ना कॉफी वाले चेन्स का मुझे समझ नहीं आता भाई, 300-200 रुपए की ना कुकीज देते हैं। बहुत सारा खाना है ना भाई। आज वो चिप्स भी दिए होंगे, क्या लास्ट टाइम दिए थे ना, दे रखे हो। और साथ में थोड़ी सी केचप्स, और साथ में थोड़ी सी और केचप्स और कटलरीज, फलाना ढिमकाना, ब्ला 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 ब्ला। टिम हॉर्टन्स का ऑल मेन्यू। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या और टेस्ट में क्या वो बात है कि नहीं है। यार मैंने मंगवाई थी 2 बेवरेजेस, मेरे को एक ही दिख रही है ना। मैंने एक कोल्ड कॉफी और एक लाटे तो मंगवाई थी। ये कोल्ड कॉफी तो है, लाटे कहाँ है? लाटे नहीं आई। लाटे ना एक सेकंड, बाकियों में भी एक बार चेक कर, हो सकता है वो वाली पैकिंग हो स्क्वायर वाली। लेट्स चेक। इस वाले में ये है पीटा ब्रेड। ओके वाओ, वेजी पाजी स्टाइल में पीटा ब्रेड 2, 4, 6। ओके, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी फन, आई एम 100% श्योर, अगर ऐसा ही क्वांटिटी में सब कुछ आया तो, क्योंकि इसके चार्जेस वर इनसेन। पीटा ब्रेड, इसको इधर रख देते हैं। लो जी, आपकी क्यूट सी पैकेजिंग की पीटा ब्रेड आ गई। ये तो कोल्ड कॉफी है जैसे आपको बताया भाई, ये है बेगल। लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना टमाटर वाला बेगल लिया था, आज हम लोगों ने लिया बिना टमाटर वाला बेगल। ओके, बेगल बड़े अच्छे थे, ऐसी बात नहीं। टोस्टेड बेगल बस विद बटर, बेगल विद क्रीम चीज। लास्ट वाली वीडियो में ना बेगल में ना इसमें वो था रॉकेट लीव्स थी या पता नहीं कोई तो ग्रीन थी और टमाटर था। दैट वाज लुकिंग मच मच बेटर। ये तो अलग कांसेप्ट है, ऐसे लग रहा है बर्गर बन का बेगल बन गया। जैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो शायद ठीक हो जाए। नहीं, ट्रीटमेंट तो वो ठीक है, बट ये बर्गर बन का ऐसा लग रहा है इसमें सेंटर में से बेगल बना दिया इसका। ये तीसरी चीज है ट्रिपल, आई थिंक चोको चिप कुकी टाइप थिंगी है ये। अच्छा, वो 200 रुपए वाली चीज बता रहा था ना आपको, ये स्टारबक्स के मेन्यू में भी ऐसे ही है। ओ भाई साहब, ये ठीक है। अब इसमें वो भी तो है ना नट्स, जो भी है 200 रुपए की है भाई, हेजलनट डाल रखा है। हाँ, ठीक है, समझ आता है, बट दिस इज थिक विद डबल और ट्रिपल सी। ये क्या चीज है, ये किसके साथ आया है? ब्रेड विद बटर, पास्ता के साथ आया होगा, पास्ता भी मंगवाया आज हम लोगों ने। पास्ता भी है, पास्ता भी है। दिस इज आई थिंक पनीर टिक्का रैप। Let's check the amount of paneer and paneer tikka wrap. ये तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे घर की वो रोटियां होती है ना। Oh nice, this looks nice. I'm not a fan of mayo. There could be cheese also. ठीक है, मतलब I think paneer double quantity में होता तो I would have loved it. यार last time इन्होंने क्या दिया था जिसमें बहुत सारा पनीर था? याद नहीं। कुछ sandwich था कोई शायद। कुछ तो था। Something something. इसमें क्या है? ओ दिस इज भाई लास्ट टाइम याद है बटर क्रोसा मंगवाए थे, चॉकलेट वाला। ओ दिस इज चॉकलेट, लास्ट टाइम बटर क्रोसा और आलमंड क्रोसा मंगवाए थे, दिस इज शोकोला। ये छोटी चीजें बहुत सारी, ए चिप्स, ए चिप्स मिले है ना इस बार भी। उनका थ्रेशोल्ड हो गया यार, इनका 2000 से ऊपर बिल आ रहा है। 3000, हां 3000 से ऊपर बिल है तो दे ही दो चिप्स यार, 5 रुपए वाले। नहीं नहीं, ऐसा थ्रेशोल्ड नहीं है, इनके साथ होगा। बहुत सारे सैंडविचेस हैं, सैंडविचेस के साथ होगा मेरे हिसाब से, बेगल या सैंडविचेस के साथ ना। आपके हाथों की इतनी रंगीन कहानी क्या है? ये होली खेली थी गाइस, ट्रैवलिंग पाजी डेली व्लॉग पे देखना होली की वीडियो, बड़ा मजा आएगा आपको देख के। ये क्या है? ये मुझे ज्यादा सही लग रहा है। दिस इज, अच्छा दिस इज योर वो कोल्ड सैंडविच होते हैं ना, एंड दिस इज मोज़रेला टोमेटो एंड रॉकेट्स वाला। ये ऐसा ही टाइप का गाइस, पार्ट 1 आप देखना, ये वाली वीडियो खत्म करके ना पार्ट 1 देखना टिम हॉर्टन्स का।
उसके अंदर ऐसे देखी तो आपने, सेम चीज है। अब आगे नेक्स्ट, यार बहुत सारे चिप्स दिए हैं क्या, आई थिंक सादा सामान तो नहीं मंगवा, क्यों मेरे सैंडविच के साथ देते हैं इवन मोर चिप्स। तो लास्ट टाइम एक क्यों थे, लास्ट टाइम हमने सैंडविचेस तो एक्स्ट्रा मंगवाए, लास्ट टाइम एक ही सैंडविच मंगवाया, आज इस बार तीन सैंडविच मंगवाए सैंडविच के साथ ही। फाइनली अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही ना, उनका सारा मेन्यू मंगवा लो, सब क्लियर हो जाएगा। लास्ट टाइम हम लोग कंफ्यूज थे कि बेगल के साथ चिप्स मिल रहा है या सैंडविच के साथ, इस बार पार्ट टू कर दिया ना, टू बाय टू कर दिया, तो सारा कुछ अराउंड 20-25 चीजें थी सारी ऑर्डर कर दी, 6,000 का बिल बना दिया। अब पूरा हमारा जैसे कहते हैं भाई कोर्स खत्म हो गया, वाह वाह, इसी बात पे बोर्ड की पढ़ाई कर लो, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स भाई साहब। क्या चीज निकली है, क्या चीज निकली है मशरूम लवर्स के लिए, वाह 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 वाह, दिस लुक्स अमेजिंग यार। इतना अमाउंट ऑफ पनीर डालना चाहिए था इन पनीर टिक्का सैंडविच, यार क्या मशरूम डाला यार, दिल खुश कर दिया इतना मशरूम डाल के ना, नाइस दिस लुक्स, थोड़ा खुशबू कम आ रहा है बट नाइस, बट दिस इसका टेस्ट अच्छा होगा 100%। वो कुछ तो है किश, यो ब्रोमा के मेन्यू में भी था ना ऐसा कुछ, ये किश बोलते हैं, दिस इज मशरूम एंड चीज किश, दिस इज एवोकाडो वाला पेरुवियन एवोकाडो सैंडविच, लास्ट टाइम पेरुवियन एवोकाडो तो वो मंगवाया था ना कुछ हमने, ब्रेड मंगवाया था, गोकामोले वाला मंगवाया था, हाँ दिस इज, अब ये लंबे लंबे पीसेस में है, नाम दोनों का सेम था पेरुवियन, दिस इज, ये देखो ये प्रॉपर सैंडविच है ना, और ये भी प्रॉपर सैंडविच है, करेक्ट, दो ये हो गए और तीसरा ये, तीन चिप्स आ गए हमें साथ में फ्री, फ्री क्या मतलब मतलब सो दैट्स दैट, बट देयर इज नो कॉफी गाइस, चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से, आई थिंक मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये पूरा शॉट लिया था, कुछ है नहीं, खाली है, पास्ता इज देयर, आई जस्ट चेक्ड, हॉट कॉफी इज नॉट देयर, लाटे इज नॉट देयर, जस्ट वन लाटे इज मिसिंग, ये कुकी जो है ये 199 रुपीस के ट्रिपल चॉकलेट कुकी, भाई क्या लगता है 199 रुपीस की, आई फील थोड़ा सा इसमें टिम हॉर्टन की ब्रांडिंग है, मतलब इसमें नाम के दो तीन इन्होंने ये डाल रखे हैं, तीन हेजलनट 199 रुपए ले रखे हैं, पनीर टिक्का रैप जो है उसके पीछे वाला 250 रुपए का है, कोल्ड कॉफी ये 270 रुपए की है, उसके आगे चॉकलेट क्रोआसां जो इसके राइट में पड़ा हुआ है वो है 249 रुपीस का, बेगल विद क्रीम चीज 170 रुपीस का है, मशरूम चीज कीश 175 रुपीस की है, पीटा ब्रेड विद हमस जो है 175 रुपीस की है, मशरूम मखनी रेवियोली पास्ता 310 रुपए का, जिसके अंदर आई कैन सी दो पीस रेवियोली, तीन भी हो सकते हैं, दो है तीन है, एक दो तीन, तीन तीन पीस है, 100 हो सकते हैं, 310 रुपए का ये हो गया, और फिर ये एवोकाडो वाला जो सैंडविच है ये 299 रुपीस का है कोल्ड सैंडविच, और फिर ये वाला जो है मोज़रेला वाला ये भी ये 310 रुपए का, नहीं ये वाला 310 रुपए का, सॉरी मोज़रेला एंड चीज मेल्ट, इसका चीज मेल्ट करें जरा, चीज़ी मल्टी मल्टी तो हो गया, हमने ट्रीटमेंट तो कर दिया, 310 रुपए का, लाटे जो आई नहीं वो 215 रुपए की थी, और ये कोल्ड सैंडविच कितने रुपए का था, 299 रुपीस का था वो ठंडे वाला सैंडविच, जो दूसरा सिया बाटा पता नहीं क्या नाम बोलते हैं, भाई इसी से स्टार्ट करते हैं फिर, हमारे नेल पेंट्स बहुत सुंदर लग रहे हैं भाई, तो यार मतलब ब्रेड नहीं जची, अंदर की स्टफिंग अच्छी है, ब्रेड नहीं जची मुझे, ब्रेड स्टफिंग नीड्स अ चेंज ऑफ ब्रेड इन माय ओपिनियन फॉर माय लाइकिंग, मशरूम और चीज़ का कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया है ये ब्रेड, या तो ये ब्रेड ना थोड़ी ज़्यादा ग्रिल हो गया थोड़ी सी ना, इसमें बर्न सा टेस्ट आ रहा है, ऑलिव्स के साथ में पीटा ब्रेड और पीटा ब्रेड का टुकड़ा, एट दिस प्राइस नो, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, Looks good. Tempting. चलो let's eat. इसके ना वो बेकरी में वो हल्का स्पाइसी, बहुत हल्का सा स्पाइसी वाला पनीर मिलता है ना, कुलचे हो गए, रैप्स हो गए, ऐसे वाला टेस्ट है, और इसके अंदर जो कैप्सिकम और प्याज है उसको भी ज़्यादा पकाया नहीं गया, तो उसमें एक क्रंच है, हल्का सौंधी सौंधी सौंधीनेस है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू कीश, ओ की कितना कीश, ज़्यादा हो गया ना टेस्ट लग रहा है, सो बेसिकली ये पाए हैं उसके अंदर सेवरी स्टफिंग है, नाइस, लेट्स टेस्ट मशरूम की,
ये बहुत अच्छा मशरूम स्टफिंग अच्छी है इनकी, सब बढ़िया है। बस ये वाले सैंडविच में ना ब्रेड आई थिंक थोड़ी बर्नट हो गई है, या तो मेरा पर्टिकुलर केस ऐसा है, बट मशरूम स्टफिंग इज नाइस। और मोर ऑर लेस ये सेम स्टफिंग है कीश की, ये जो कीश की स्टफिंग और वो सैंडविच की स्टफिंग सेम है। अब अगला खाते हैं क्रॉसो के एंड में खाएंगे आई थिंक, नहीं चॉकलेट कुकी को एंड में खाएंगे। क्या लगता है भाई अंदर चॉकलेट निकलेगा? थोड़ा थोड़ा ही होता है इसमें, बट स्टिल टेस्ट गुड आई थिंक। देख रहे हो पूरा लेयर डाल रखी है। भाई कॉफी कॉफी के साथ लेंगे क्रॉसो को, हम थोड़ा सा अंग्रेजी बन जाए। नाइस, नॉट वेरी स्वीट। करते हैं लाटे में डिप करते हैं ये। लाटे में डिप अब आई नहीं तो क्या करते हैं, ऐसे खा लेते हैं। अभी मौसम भी ऐसा हो रखा है ना सर्दी गर्मी वाला, तो गुड क्रॉसो अच्छा है। फ्लेकी बटरी तो नाइस। तीन पीस, एक पीस भाई, देयर इज अ फोर्थ पीस एज वेल, मिस्टर फोर्थ पीस। तो अब ये कितने के होगी, 310 डिवाइडेड बाय 4। बोर्ड के पेपर आपके हैं ना, कमेंट्स में बताओ कितने हैं। और बोर्ड के पेपर है तो अभी वीडियो को देख लो, बाद में देखना, बाद में चार लोगों को शेयर भी करना। तो स्टफिंग दूर भाग रही है मेरे से, ऐसा क्या स्टफिंग, ऐसा मैंने क्या कर दिया भाई, तू मेरे से दूर भाग दिया, कुछ फैक्टर होना चाहिए था। एक बार को आप ये मंगवा लो, ये तो बिल्कुल नहीं। एवोकाडो, टमेटो एंड नीचे आई थिंक पता नहीं कोई तो लीव्स का सैंडविच, दिस नॉट फॉर माय लाइकिंग, बट किसी को तो ये पसंद आएगा बिकॉज ये पैलेट जो है बहुत लोगों का होता है इस टाइप का पैलेट, मेरा नहीं है बट किसी का होगा। वो फ्रेशनेस मॉर्निंग, दिस इज समथिंग यू कैन पेयर विद अ गुड अमेरिकानो, ब्लैक कॉफी लो, ये लो, सुबह सुबह के 8 बज रहे हो, आपने एक वो लगा रखा भाई, वो क्या होता है वो सिंगल ईयरफोन ईयरबड ईयरपीस ऐसा, वो जो ऐसे ऐसे निकलता है वो लगा रखो। मिस्टर मेहता इज द डील डन और नॉट, ये वैसे टाइप के लोगों के लिए लग रहा है। दिस इज आई थिंक दिस इज समथिंग फॉर पीपल लाइक मी हु वांट समथिंग सैचुरेटेड इन लाइफ, सो मच मोज़ारेला। दिस इज गुड, दिस इज ग्रेट, द एंटायर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आ रहा है यार। ये ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है मोज़ारेला एंड टोमेटो एंड पेस्टो का ना, दिस माय बायस, बट दिखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है जो भी वही है ना, मैंने बोला ना मेरा बायस है इसमें, मेरे को ये फ्लेवर समझ आता है, बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड लव दिस आल्सो। बेगल का एक टुकड़ा काटेंगे, बटर नाइफ का ये काम है ना, जिसका जो काम है उसको वो करने दीजिए, जैसे आपका काम है इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करना। और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस बात की वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 5 लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो बढ़िया सा, और ये कमेंट्स में बताओ 3 टाइप की कॉफी कौन सी होती है। तब तक इसको खाता हूं, वेरी गुड, मैं सोचा नहीं था अच्छा हो, वेरी गुड। कोल्ड कॉफी के साथ ना अलग टाइप का खाना पेयर होता है, जैसे कुछ चीजें पकौड़े चाय के साथ पेयर होते हैं, कॉफी के साथ नहीं पेयर होते। ऐसे कोल्ड कॉफी के साथ अलग मेन्यू है, हॉट कॉफी के साथ अलग मेन्यू है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई क्या कर रहे हो क्या आप ना, मैं कुकी को चक्कू से काट दे ना मीम बन जाता ये वाला पार्ट लेता हूँ। हेजलनट, ये हेजलनट नहीं है, ये व्हाइट चॉकलेट है, बिल्कुल देखने में बिल्कुल वैसे लग रहा था यार। दिस इज डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट। ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट भाई, पार्ट टू में, पार्ट वन में टिम हॉर्टन्स का खाना बहुत अच्छा लगा था, पार्ट टू में थोड़ा सा फीका पड़ गया। इसको हम लोग देंगे पास और फेल में, दिस वाज पास, दिस इज पास, दिस इज थोड़ा ओवर प्राइस बट पास, दिस इज पास, दिस इज पास, सारी चीजें पास हो रही है भाई, क्या बात है। दिस इज फेल, अब फिर यहाँ से लाइन से चलेंगे, दिस इज ऑल्सो यार, आई फील आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि इसने ना बंदे ने ब्रेड जिसने बनाई है थोड़ी जला दी है, आप अगर खाओगे तो आपको जली हुई ना मिले, तो दिस इज पास, तो दिस इज लाइक इन करंट सिनेरियो दिस इज फेल, बट दिस शुड बी अ पास, इज पास फॉर समबडी, आई टेक इट पास ओनली, क्योंकि अच्छा है किसी को तो पसंद आएगा, ये सुपर डुपर पास। वाह, एंड देन कॉफी इज ऑल्सो वेरी नाइस, ब्रेड को खोता देख रहा हूँ, वेरी थिन लाइन बिटवीन जलाना एंड एक्स्ट्रा करारा करना, उसने हाई गैस पे कर दिया तो ज्यादा क्रिस्पी होने की जगह जल गया है, स्लो गैस पे करता मस्त मजा भी आता, क्रिस्पी भी होता, टेस्ट भी होता, सब करता। एनीवे छोड़ो गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बात करेंगे किसी और वीडियो में कुछ और बेहतरीन खाना खाते हुए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, तब तक के लिए खाना खाते रहिए मजे से मस्त। इसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा।